सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित उपचुनाव आज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। प्रातः 8 बजे शुरू हुए मतदान का आंकड़ा शाम 5 बजे तक 69.91% रहा। इस दौरान लोगों ने बूथों पर पहुंचकर उत्साह के साथ अपना वोट डाला। मतदान को लेकर महिलाएं व युवा उत्साहित नजर आए। किसी ने पहली बार तो किसी ने दूसरी बार मतदान किया। मतदान संपन्न होने के बाद कांग्रेस, बीजेपी वे आरएलपी सहित 10 प्रत्याशियों का भाग्य मत पेटियों में बंद हो गया। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं देहाती क्षेत्रों में ग्रामीण मतदाताओं, महिला व पुरुषों में काफी उत्साह देखा गया। कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा ने आज सुबह 8:30 बजे मोसूण धर्मशाला में अपने समर्थकों के साथ मताधिकार का प्रयोग किया। वे भाजपा प्रत्याशी अशोक पीचा ने ओसवाल बड़ा बास पंचायती भवन में सुबह 9 बजे मतदान किया। इसके अलावा आरएलपी प्रत्याशी लालचंद मूड ने सुबह 10:15 पर करण सर में अपने पंचायत के अंदर मतदान किया। ये चुनाव मुद्दों का नहीं है, बाय इलेक्शन है, इसलिए जो परंपरा पहले से चली आ रही है उसी परंपरा के अनुसार चुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव में कोई मुद्दे नहीं है। वैसे जो मुद्दे थे वो पूरे हो गए। चिकित्सा का मुद्दा था, 100 बेड का हॉस्पिटल पंडित जी ने हमारे स्वीकृत करा दिया, सीएम साहब की घोषणा है। उनके अलावा जो मुद्दे हैं बिजली के हैं, सिंचित क्षेत्र लंबा हो गया किसानों का, तो उनमें जो जीएसएस हैं उनका सीएम साहब ने खुले दिल से हम भी भरी है। उसके अलावा हमारे सब मुद्दे पूरे हो रहे हैं। शिक्षा का मुद्दा था, सभी जितने भी पंचायतें हैं या एक एक पंचायत में दो दो सीनियर स्कूल गए। अभी इसी साल हमारी साइंस की फैकल्टी आई है, साइंस फैकल्टी साइंस की गई है। दूसरी बालिका विद्यालय थी उसको 8वीं से सीधे सीनियर में प्रमोट की गई है। आरएलपी सर कितना प्रभावित कर रही है? तो देखो, ऐसा जो पार्टी आएगी और वो किसानों से संबंधित होगी वो प्रभावित नहीं करेगी, वोट लेगी। और जो बीजेपी का खेमा है, लोग पिछले 25 साल से उसमें रह के स्वाय घुटन के कुछ महसूस कर रहे नहीं कर रहे थे, इसलिए वोट तो कई लोग डालेंगे। कांग्रेस से जुड़े कांग्रेस वोट डालेंगे, बाकी बीजेपी में घुटन महसूस कर रहे थे और नंबर दो उनकी गुटबाजी की वजह से वोटर तो कहीं डालेगा। आरएलपी आएगी तो आरएलपी भी कामयाब होगी, आज नहीं तो कल होगी। ये पिंक बूथ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सारे मतदान दल के जो सदस्य हैं वो महिलाएं हैं, इस वजह से इसको पिंक बूथ कहा गया है। इस बार एक प्रयोग किया गया है राज्य सरकार के द्वारा जिसमें सभी मतदान कर्मी हैं वो महिलाएं हैं। हमारे कार्यकर्ता कितना उत्साह, कितने डट के वोट दे रहे हैं। हमारे गाँव के लोग किसान के बेटे को समझ किसान को वोट दे रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है जो किसान के बेटे को वोट दे रहे हैं, बड़ा उत्साह है लोगों में। माननीय जलो साहब की 4 साल में जो सुशासन रहा है वो भी है, और दूसरा जनता में ये है कि 1 साल कांग्रेस का है तो निश्चित रूप से विकास के साथ जनता भी देखती है। मैं तो आपसे दोबारा कहना चाहूंगा कि क्या कोई आपको ऐसा दावेदार लग रहा है जो दावेदार था या कोई नाराज है? मुझे तो ऐसा कोई लग नहीं रहा, पूरी टीम मेरे साथ लगी हुई है, एकजुट है। मैंने आपको पहले ही बताया मैं 27 साल से सार्वजनिक जीवन में हूँ और मैंने नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए भी और इसी वार्ड से मैं पार्षद बना था, तो मैंने पूरे क्षेत्र की जनता की सेवा की और लगातार इनके बीच में रहा हूँ और जनता मेरी कार्यशैली से भली भांति परिचित है, वाकिफ है और उनके बीच रहा हूँ, हर दुख दर्द में जनता के बीच रहा हूँ, इसलिए निश्चित रूप से जनता मुझे आशीर्वाद देने जा रही है। तो राजनीतिक पार्टियों में क्या होता है, जो पार्टियाँ आती है, मुख्य प्रतिद्वंदी भाजपा की बात कर लेता हूँ, तो वो सिवाय वादे और थोती घोषणाओं के कुछ नहीं करते। मेरे पिताजी का एक सिद्धांत रहा है कि वो स्पष्टवादी थे, जो काम होता था वो स्पष्ट हाँ करते थे, जो नहीं होता वो ना कर देते थे। तो बिल्कुल उन्हीं की सिद्धांतों पर, नीतियों पर चलते हुए जनता को जो काम होने वाले थे या हैं तो उनको मैंने आश्वस्त किया है और झूठा कोई मैंने वादा आश्वासन जनता को नहीं दिया है। इससे संतुष्ट है, सब गाँव का दौरा कर लिया, वार्ड मीटिंग भी कर ली, घर घर भी जाने का मैंने खूब घरों में भी गया हूँ, ऐसा मैंने प्रयास किया है। निश्चित रूप से जनता मुझे आशीर्वाद देगी कांग्रेस के कुशासन को उठाने के लिए। ये चुनाव तो कांग्रेस सरकार की विफलता पे लड़ा जा रहा है क्योंकि कांग्रेस सरकार ने 4 साल में कुछ नहीं किया। ये उपचुनाव हो रहा है, ये 2023 के चुनाव को उनको दिखाने के लिए कि आपने पिछले 4 साल में कुछ नहीं किया है। तो ये इस उपचुनाव में कांग्रेस सरकार को ये दिखाना है कि अगर काम नहीं करोगे तो आपको सरकार है, जनता है, वो आंखें दिखा देगी। सर आरएलपी कितना प्रभावित कर रही है? पे यहाँ पे दोनों पार्टियों को 50-50 प्रभावित कर रही है। जोड़ गांव है तो मैं पूछता हूँ, वो अड़शीर देता हूँ, अड़शीर है, अड़शीर दूर है, जा को सका ये कारण है। मैं लारे वोट को दिया नहीं पंचायत ने, अब वही बात है, मारो गांव अड़शीर से जोड़ दो, मंजूर है हमारा साहब।
संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन और जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने विभिन्न बूथों पर मतदान प्रक्रिया का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं को निष्पक्ष व भय मुक्त मतदान करने के लिए प्रेरित किया। वह बताया कि प्रत्येक बूथ पर कैमरे लगे हुए, किसी को वोट देने से कोई रोक नहीं सकता। शांतिपूर्ण मतदान के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। मतदान बूथों पर दिव्यांग निशक्त जन की भी विशेष व्यवस्था मतदान बूथों पर प्रशासन के द्वारा की गई थी। इसके अलावा शहर के पनपालिया गांव में 2 साल से हो रहा मतदान का बहिष्कार इस बार समाप्त हुआ। प्रशासन के समझाने पर इस बार गांव के लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। वोट हमने इसी आश्वासन के ऊपर कराया है कि प्रशासन ने हमें यही आश्वासन दिया है कि वापस आपको 88 पंचायत में मिला दिया जाएगा। इसी आश्वासन के चलते हमने ग्रामीणों ने वोट करा। क्या वजह थी पिछली बार? वजह ये होती थी जो हमारी 50 साल से पंचायत थी 88, और हमें जब पंचायत का विभाजन हुआ था उसमें हमें मिला दिया गढ़सीसर, जो हमारे यहाँ से 16 किलोमीटर दूरी है और इसकी महज 1 किलोमीटर दूरी है। यो समस्या थी। देखिए, हमारे गांव पनपालिया गोपुर है, पंचायत 88 से हटाकर गढ़सीसर में जोड़ दिया गया था, जो हमारे से 16 किलोमीटर दूर है। इसके चलते हमने पूर्व में चुनाव का बहिष्कार किया था और अब हमें यह आश्वासन मिला है प्रशासन की तरफ से कि आपके गांव पनपालिया को पूर्व पंचायत 88 से जोड़ दिया जाएगा, जिसके चलते ही ग्रामीणों ने आज मतदान करने का फैसला किया है। 95 बूथों पर लगभग 2,90,000 मतदाताओं के द्वारा अपने मत का उपयोग किया जाएगा। 11 बजे तक 20% से ऊपर मतदाताओं ने मतदान कर दिया था। सभी 295 बूथ पर वोटिंग बिल्कुल स्मूथली शांतिपूर्वक ढंग से चल रही है और लगातार फील्ड में सारे सेक्टर ऑफिसर्स, एरिया मैजिस्ट्रेट्स के द्वारा भ्रमण किया जा रहा है, कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है जी। उनकी जो पंचायतों का, जब नई पंचायतों का गठन हुआ था, पुनर्गठन की कार्रवाई के दौरान उनकी कुछ मांगें थी, तो उन मांगों के चलते उन्होंने बहिष्कार पूर्व में जो चुनाव हुए थे उनका किया था, पर वर्तमान में उनके साथ बातचीत की गई तो हम उनके आभारी हैं, उन्होंने हमारी बात मानी, स्वीकार करते हुए और आज वो अपने मतदान का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पर कुल बूथ संख्या 282 में 1,068 मतदाता हैं, जिनमें से लगभग 500 पोल हो चुके हैं वोट। दूसरे बूथ पे 850 के आसपास वोटर हैं। कितने वहाँ पर भी लगभग 40% वोटिंग हो चुकी है। मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है? बिल्कुल शांतिपूर्ण चल रहा है। आपका नाम सर? गोगन राम। देखिए, इस उपचुनाव में शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है और जब से लोकतंत्र की व्यवस्था हुई है तब से भिन्नसर में आज तक चुनाव में किसी प्रकार की कोई घटना नहीं घटी है। सदैव शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होता है। इस बार भी जनता पूर्ण जोश के साथ इस चुनाव में मतदान कर रही है और सुबह से लगातार जो भिन्नसर के वोटर हैं वो लगातार वोट डालने के लिए आ रहे हैं और निश्चित रूप से शाम के 5 बजे के आसपास लगभग वोट डाल दिए जाएंगे और उम्मीद यही है कि निश्चित रूप से शांतिपूर्ण मतदान होगा। शारदा, वही फर्स्ट बार वोटिंग करी हो? मेरा फर्स्ट वोट है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। आपने बिनादेश में उपचुनाव हो रहे हैं, पहली बार मतदान कर रही हो आप? यस। तो कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बचपन से यही चाहती थी कि मैं वोट दूँ, बट एज के हिसाब से नहीं बन पाया, तो अभी मेरा फर्स्ट इंटरव्यू और पहला वोट है तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। सर्दी के मौसम को देखते हुए चूरू के मैक्लोड फार्मास्यूटिकल्स की ओर से आज जरूरतमंद लोगों को रजाई वितरित की गई। मैक्लोड के प्रतिनिधि अजय लोहिया ने बताया कि बावरी परिवार की ओर से गढ़ के बावरी हवेली में रतनगढ़ विधायक अभिनेश मैर्सी ने जरूरतमंद लोगों को रजाई वितरित की। मैर्सी ने कहा कि दान करने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है, प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में दान पुण्य करना चाहिए, इससे मनुष्य के कष्टों का निवारण होता है। इस अवसर पर कैलाशनाथ महाराज, पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा आदि ने अपने विचार व्यक्त रखे। लाल जी बावरी और उनके परिवार को बहुत साधुवाद देते हैं। इस कड़कड़ाती सर्दी में जरूरतमंद लोगों को रजाई और कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा। आदरणीय हरलाल जी सहारण साहब, आदरणीय बसंत जी, आदरणीय बगड़िया जी सहित सभी लोग, आज हम लोगों ने कंबल वितरण का कार्य किया। मैं इसलिए साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि ऐसे उदाहरणों से दूसरे भामाशा लोग भी प्रभावित होते हैं और वो प्रोत्साहन के साथ में समाज के हित में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं।
मैं सारे सब लोगों की तरफ से बावरी परिवार का हार्दिक अभिनंदन कर। आरटीडीएस चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर आज रतनगढ़ के दौरे पर रहे। वह सरदार शहर से जयपुर जाते समय अल्प प्रवास पर रतनगढ़ रुके। इस दौरान वे मंडेलिया फार्म हाउस पर पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी नीतियों के बल पर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पुनः सत्तासीन होगी। कांग्रेस सरकार की विफलता के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकार ने कई जन कल्याणकारी नीतियां शुरू की है और आगामी बजट युवाओं को समर्पित होगा और जहां कमी रही है उसे आगामी एक वर्ष में दूर कर लिया जाएगा। इस अवसर पर कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया, पूसाराम गोदारा, इंद्राज खीचड़ सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। बात बता रहा हूं आपको कि एक तुलनात्मक चार्ट बनाएंगे। बीजेपी के राज में राजस्थान में क्या रहा, दिल्ली में मोदी जी की सरकार को 8 साल। हमारा प्रश्न बीजेपी अगर आप तुलना नहीं आप तुलना करेंगे तो हम जो कह रहे हैं 10 लाख का बीमा पूरे देश में दुनिया में कहीं नहीं है। अगर बीजेपी को या मोदी जी की सरकार को अगर तुलना करनी है तो बीमा 10 लाख की बजाय उनको 15 लाख का करना चाहिए। पेंशन शुरू की राजस्थान में वो अशोक गहलोत जी की सरकार ने करी, 500 रुपये 750 रुपये। अगर 500 750 रुपये के बाद में बीजेपी की सरकार आई, वसुंधरा जी सीएम बनी, अगर उनको बढ़ाना चाहिए था उन्होंने 1 रुपये नहीं बढ़ाया। अब हमारी सरकार आई, पेंशन को हमने बढ़ाया, ओल्ड पेंशन स्कीम हम लेके आए, किसानों की कर्ज माफ़ी हमने करी, किसानों का बिजली का बिल हमने माफ़ किया, बेरोजगारों को भत्ता देने का सिलसिला हमने शुरू किया, बेरोजगारों को नौकरियाँ हम दे रहे हैं। यानी ऐसा कोई तबका नहीं है। मैं बात आपको तुलनात्मक कर रहा हूं, आपकी बात में दम है, कोई कमियां रह गई उन कमियों को हम दुरुस्त करेंगे। चूरू के कोर्ट परिसर में प्रांतीय जयपुर के न्यायिक कर्मचारी संघ के आह्वान पर चूरू न्यायिक क्षेत्र के समस्त राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ द्वारा जयपुर न्यायिक क्षेत्र में पदस्थापित कर्मचारी सुभाष मेहरा को न्याय दिलाने के समर्थन में लगातार छठे दिन भी FIR दर्ज नहीं होने पर आज सामूहिक अवकाश पर धरने का प्रदर्शन किया। इस मौके पर संघ के अध्यक्ष राजकुमार स्वामी ने बताया कि धरना स्थल पर हीरालाल पंवार, लक्ष्मीकांत व्यास, धनवीर सिंह मोगा आदि कर्मचारी उपस्थित रहे। जयपुर में हमारे साथी कर्मचारी श्री सुभाष मेहरा की स्वयंदा परिस्थितियों में जो मृत्यु हुई है उसके कारण जो हमारे साथी कर्मचारी पिछले काफ़ी दिनों से जयपुर में जो आंदोलन कर रहे हैं उसी में संपूर्ण राजस्थान के न्यायिक कर्मचारी संघ ने हड़ताल का आह्वान किया हुआ है, जिसमें कि हमारी मुख्य मांगे हैं कि जो FIR दर्ज की जाए समझे अधिकारी के खिलाफ, कर्मचारियों को मुआवजा मिले और गवर्नमेंट इसकी निष्पक्ष जांच करे। सर आपका नाम? मेरा नाम धनवीर सिंह है। और किस पद पर हैं सर आप? मैं यहाँ जिला न्यायालय चूरू में न्यायालय प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। श्रीगंगानगर की राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल संख्या 6 में आयोजित 66वीं राज्य स्तरीय स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता में चूरू की खो खो टीम ने पहली बार हिस्सा लिया तथा सिल्वर मेडल जीतकर जिले भर में नाम रोशन किया है। भावन देसर की PEO ऋचा भूरिया ने बताया कि 14 वर्षीय खो खो प्रतियोगिता का आयोजन राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक स्कूल भावन देसर में हुआ था, जिसके पश्चात 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में जिले के खिलाड़ियों को श्रीगंगानगर के लिए रवाना किया गया। श्रीगंगानगर में टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता में सिल्वर पदक हासिल किया है। इस अवसर पर टीम प्रभारी व कोच विनोद गोदारा, संजीव सारण, लेखराम सिद्ध आदि टीम के साथ थे। 66वीं राज्य स्तरीय विद्यालय 14 वर्षीय खेलकूद प्रतियोगिता में चूरू जिले की टीम ने श्रीगंगानगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 6 में आयोजित खो खो प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए मेजबान श्रीगंगानगर को फाइनल मुकाबले में 3 पॉइंट से हराकर उपविजेता रही। टीम को उपविजेता रहने पर सिल्वर पदक प्रदान किया गया और सिल्वर पदक विजेता टीम का चूरू जिले के रतनगढ़ तहसील में शिविर करने की ओर से स्वागत किया गया। टीम के कोच विनोद गोदारा, संजीव सारण, लेखराम सिद्ध और शिव प्रकाश टीम के साथ उपस्थित रहे। टीम के खिलाड़ी पूनम चंद, मनीष कुमार आदि के फाइनल मुकाबले में अन्य मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम को उपविजेता व सिल्वर पदक हासिल कर रहे हैं। साथ ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भावंदेसर में कार्यरत शहरी शिक्षक विनोद गोदारा ने पिछले 6 वर्षों में शानदार मेहनत करते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भावंदेसर की टीम को व संपूर्ण जिले की टीम को खो खो की ट्रेनिंग प्रदान की, जिसकी बदौलत चूरू की टीम इतिहास में पहली बार सिल्वर पदक लेकर जिले में आई।
चूरू के गांव मिंगणा की ध्रुविका राठौर ने मुंबई में खेले जाने वाले अंडर 14 इंटरनेशनल पिकल बॉल मैच में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। पिता दलवीर सिंह ने बताया कि मेंटर भंवर सिंह खोटिया के प्रयास से बिटिया ने इंटरनेशनल लेवल पर देश और जिले का नाम रोशन किया है। चूरू के श्रीराम मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में आज संत डॉक्टर गुण प्रकाश चैतन्य ने कहा कि भागवत कथा केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि यह जीवन दर्शन का विज्ञान है। डॉक्टर चैतन्य ने अंतिम दिन भागवत कथा के विभिन्न प्रसंग पर चर्चा करते हुए कहा कि महाभारत के बाद पांडव जब विहार कर रहे थे तब उन्हें कालिंदी मिली जो भगवान की अनन्य भक्त थी। उन्होंने कहा कि भगवान भक्त के हरदम निकट रहते हैं, आवश्यकता है विश्वास की। इस अवसर पर आयोजन मंडल के जगदीश प्रसाद, मनोज कुमार, संजय आदि श्रद्धालु उपस्थित थे। चूरू के अग्रसेन नगर स्थित कृष्ण मंदिर में मार्गशीर्ष के धार्मिक माह के तहत आज भगवान श्री कृष्ण को अग्रसेन नगर महिला मंडल की ओर से 56 भोग लगाया गया। महिला मंडल की संतोष पारिक ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना पुजारी दीनदयाल शर्मा ने की। इस अवसर पर संतोष पंसारी, विमला रांकावत, विमला दादी आदि महिलाएं उपस्थित थी। हमारे गीता भवन अग्रसेन नगर में जो श्री कृष्ण जी का मंदिर है उसमें 56 भोग कार्यक्रम आज किया जा रहा है महिला मंडल द्वारा, और ये कार्यक्रम कई वर्षों से किया जा रहा है और इस बार महिला मंडल द्वारा किया गया है। और 56 भोग और चूरू के स्थानीय गुणा मोहल्ला में रविवार रात्रि एकादशी के पर्व पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। गणेश वंदना के साथ प्रारंभ हुए सुंदरकांड पाठ में मुख्य यजमान लीलाधर जांगीर ने सपत्नीक बालाजी महाराज की जोत ली। उसके बाद विधिवत रूप से पाठ प्रारंभ किया। इस दौरान पाठवाचक राकेश दादीच एवं विष्णु कसेरा ने बालाजी महाराज व खाटू श्याम के भाव भरे भजनों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर रतनलाल राजोतिया, मनोज जांगीर, राजकुमार राजोतिया आदि उपस्थित थे। पधारो बाबा आमने पधारो, हरि में बुलावा जय जय का। ये क्लास है जो कि आज के सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ऐसे करोगा तो किसी को हाजिरो बालाजी माते थारो ठेके तेरी मारो पधारो, आणि बताई रे बारेना ठेके तेरी मारो पधारो बाबा आमने पधारो, हरि मे बुलावा ते जका ओ बालाजी हरि मे राजकीय लोहिया महाविद्यालय में आज एनएसयूआई कार्यकर्ता व छात्र संघ के महासचिव अनिश खान ने प्राचार्य को ज्ञापन देकर महाविद्यालय में चल रही समस्याओं के बारे में अवगत करवाया। महासचिव अनिश खान ने बताया कि ज्ञापन में मुख्य द्वार का सौंदर्यकरण, वाटिकाओं के अंदर पेड़ पौधों की सुव्यवस्था, महाविद्यालय के स्तंभ का सौंदर्यकरण व परिसर के अंदर पेड़ों की छंगाई की व्यवस्था की जाने की मांग रखी गई है। इस मौके पर परविंद्र चौधरी, छात्र प्रतिनिधि आबिद खान, छात्र नेता हेमंत सैनी आदि मौजूद रहे। राजकीय लोहिया महाविद्यालय के अंदर कॉलेज के महाविद्यालय के अंदर सौंदर्य के लिए प्रचार मुद्दों को अवगत कराया, जिसके अंदर महाविद्यालय के मुख्य द्वार का निर्माण किया जाए और उसका सौंदर्य के लिए कार्य किया जाए। महाविद्यालय के अंदर पार्कों के अंदर पेड़ पौधों की उनकी सफाई व्यवस्था टाइम से टाइम की जाए।
इसके लिए प्रचार्य मोदी का अवगत कराया और महाविद्यालय का जो स्तंभ है उसके अंदर एक टाइम घड़ी लगाई जाए जिससे सौंदर्य अच्छा हो। रतनगढ़ में रविवार को बाइक सवार चाचा भतीजा के पिकअप चालक ने टक्कर मार दी थी। घटना में 50 वर्षीय श्रवण जाट गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे डॉक्टरों ने बीकानेर रेफर कर दिया। बीकानेर ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। घटना को लेकर मृतक के छोटे भाई 43 वर्षीय बंडवा निवासी डोंगरराम जाट ने पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।